हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा रैबिट और टॉर्टोइस की, कछुआ और खरगोश की। जैसे एक दिन क्या होता है, कछुआ खरगोश से मिलता है तो दोनों दोस्त होते हैं, हमेशा मिलना जुलना होता है। तो खरगोश कछुए से कहता है कि मैं तो तेरे से बहुत ही तेज दौड़ सकता हूँ और तू तो बहुत धीरे 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 चलता है। और ये कह के वो हंसने लग जाता है कछुए पर। तो ये देख के कछुआ खरगोश से कहता है कि चल मैं तुझसे एक रेस लगाता हूँ, हम दोनों रेस लगाते हैं। तो फिर ये दोनों बोलते हैं ठीक है, हम रेस लगाते हैं। बट उस रेस का एम्पायर एक कुत्ता होगा। तो दोनों राजी हो जाते हैं। तो जैसे ही रेस स्टार्ट हो जाती है तो कछुआ जल्दी से भागने लग जाता है। तो सभी सोचते हैं कि अभी तो खरगोश ही जीतेगा और कछुआ पीछे ही रह जाएगा। बट थोड़ी देर बाद जब आधा रास्ता ख़त्म हो जाता है दौड़ते दौड़ते, तो खरगोश पीछे मुड़ के देखता है कि कछुआ तो कहीं दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा। और खरगोश बहुत गर्म होता है उससे और थका हुआ भी होता है। तो वो सोचता है कि जब तक कछुआ आएगा तब तक मैं थोड़ा सा मैं आराम कर लेता हूँ। अगर कछुआ मुझे लांग भी जाता है या फिर मुझे मेरे से थोड़ा आगे भी चले जाता है तो मैं उठ के बहुत जल्दी भाग के फिनिश लाइन तक चले जाऊँगा और कछुए को हरा दूँगा। तो फिर जब तक ये खरगोश ऐसे सोचता होता है, तब तक ये कछुआ धीरे 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 चलता रहता है। और गर्मी भी होती है उसे, फिर भी वो रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही वो आता है, वो देखता है खरगोश तो सो रहा है, फिर भी वो आगे निकल जाता है। वो सोचता है कि मैं इसे उठा दूं, बट वो अपने ही फिनिश लाइन तक चलता है। फिर जैसे ही खरगोश उठता है और इधर उधर देखता है, तो फिर वो देखता है कि अरे ये कछुआ कहाँ चला गया। फिर वो देखता है कि चलो मैं फिनिश लाइन तक चले जाता हूँ। तो फिर जैसे ही वो तेज़ी से फिनिश लाइन तक चले जाता है, तो कछुआ वहाँ पे फिनिश लाइन तक जीत जाता है और उसका इंतज़ार करता होता है। तो फिर हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम धीरे और लगातार चलेंगे तो हम रेस जीत सकते हैं। बट नहीं, ऐसे नहीं होता है, बल्कि इस कहानी का मॉरल ये है, इस सीख ये मिलती है कि हमें अपने से वीकेस्ट मतलब कमज़ोर खिलाड़ी को कभी भी ही अपने से कम नहीं समझना चाहिए। थैंक यू सो मच।